भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब वेस्टइंडीज में जीता और इसके बाद एक और खुशखबरी जो है वो भारतीय टीम को मिली है। दरअसल वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम में रोहित शर्मा को उस टीम का कप्तान बनाया गया है और इस टीम में भारत के 6 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन है वो खिलाड़ी वो आपको बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि भारत के 6 खिलाड़ियों के अलावा किन और खिलाड़ियों को इस टीम में जगह दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। यूं तो रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, लेकिन जो ICC ने वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम चुनी है उसमें रोहित शर्मा को स्थान मिला है और उन्हें उस टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया है, क्योंकि रोहित शर्मा ने पूरे वर्ल्ड कप के दौरान शानदार कप्तानी की और इस वजह से उन्हें कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में 257 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट भी जो है वो लाजवाब रहा है 156.7 का। तो रोहित शर्मा जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट वर्ल्ड कप के लिए चुना गया उसके कप्तान बनाए गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें जो भारत के 6 खिलाड़ी हैं उसमें एक तो रोहित शर्मा हो गए, बाकी 5 कौन हैं, तो आपको बता दूं कि फाइनल मैच में शानदार पारी खेलने वाले और प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले विराट कोहली को इस टीम में जगह नहीं मिली है। जी हाँ, क्योंकि विराट का प्रदर्शन पूरे विश्व कप में जो है शानदार नहीं रहा था, सिर्फ उन्होंने फाइनल मुकाबले में एक बेशकीमती पारी खेली थी और टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की थी। लेकिन चूंकि ये जो टीम चुनी जा रही थी पूरे वर्ल्ड कप में प्रदर्शन के आधार पर चुनी जा रही थी, इसलिए विराट कोहली को इस टीम में जगह नहीं दी गई है। अब टीम ऑफ द टूर्नामेंट में अन्य भारतीय खिलाड़ी कौन कौन है, तो आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह का होना तो बनता ही है, क्योंकि उन्होंने टूर्नामेंट में न सिर्फ 15 विकेट लिए बल्कि जो उनकी इकोनॉमी रही वो बहुत जबरदस्त रही, 4.17 पर ओवर यही रन उन्होंने खर्च किए। तो इतने शानदार प्रदर्शन के बाद और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने जाने के कारण जसप्रीत बुमराह को इस टीम में जगह मिलनी ही थी और जसप्रीत बुमराह भी इस टीम में है। तो फिर उनके पार्टनर अर्शदीप सिंह भी इस टीम में होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत की तरफ से इस विश्व कप में सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए हैं, तो अर्शदीप सिंह भी इस टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। अब अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो भारत की तरफ से अक्षर पटेल को इस टीम में जगह मिली है। दरअसल उन्हें उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण इस टीम में जो है वो जगह दी गई है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या जो है वो भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, तो वो भी जो है टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल किए गए हैं। तो भारत के कई खिलाड़ी मतलब कि 6 खिलाड़ी जो हैं वो आपको दिखेंगे। इसके अलावा जो फाइनल में कैच लपका था सूर्य कुमार यादव ने मिलर का, वो हम सभी को याद है। तो हालांकि उस कैच की वजह से नहीं उनकी बैटिंग की वजह से उन्हें भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में जगह मिली है, उस प्लेइंग 11 में जगह मिली है। लेकिन आश्चर्य देखिए कि ये जो प्लेइंग 11 चुनी गई है उसमें 6 भारतीय खिलाड़ी तो हैं, वो भारतीय टीम जो चैंपियन बनी है, लेकिन जो फाइनलिस्ट रही, रनर अप रही, जो फाइनल मुकाबला हारी दक्षिण अफ्रीका, उनके किसी भी खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। हाँ ये है कि उनके जो तेज गेंदबाज हैं नॉर्किया, उन्हें टीम का 12वां खिलाड़ी बनाया गया है। लेकिन जो सबसे खुशी की बात है वो अफगानी टीम के लिए है। जी हाँ, अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी इस टीम में शामिल किए गए हैं और ये अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्व की बात है और उनके लिए गर्व की बात है। या वैसे भी अगर आप इस विश्व कप में देखें तो इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
अफगानिस्तान के फजलुल हक हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर जो हैं वो रहमानुल्ला गुरबाज हैं। तो रहमानुल्ला गुरबाज और फजलुल हक फारूकी को इस टीम में तो जगह मिली ही है, साथ में कप्तान राशिद खान जिन्होंने कि इस विश्व कप में 15 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी भी 6 से कुछ ही ऊपर रही है, तो उन्हें भी टीम में जगह मिली है। तो ये जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है उसमें 3 खिलाड़ी जो हैं वो अफगानिस्तान से हैं, 6 भारत के 3 अफगानिस्तान के, तो 9 खिलाड़ी हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि सुपर 8 में भारत से हारी, अफगानिस्तान से हारी और फिर विश्व कप से बाहर हो गई, उनके 1 खिलाड़ी को इस टीम में जगह मिली है और वो है मार्कस स्टोइनिस। उन्हें भी उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण इस टीम में जगह दी गई है। तो जो 10वें खिलाड़ी हुए वो हो गए मार्कस स्टोइनिस और 1 जो हैं वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन जिन्होंने कि कई आक्रामक पारियां इस विश्व कप में खेली, उन्हें भी इस टीम में जगह दी गई है। तो ये है प्लेइंग 11 जिसमें 6 खिलाड़ी भारत के, 3 अफगानिस्तान के, 1 ऑस्ट्रेलिया के और 1 वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी शामिल हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को इस टीम में जगह नहीं मिली है। इंग्लैंड जो कि सेमीफाइनलिस्ट है उसके भी किसी खिलाड़ी को इस टीम में जगह नहीं दी गई है। तो ये प्लेइंग 11 हुआ, 12वें खिलाड़ी नॉर्किया बनाए गए हैं। अगर आप पूरी टीम जानना चाहें तो देखिए ओपनिंग में रोहित शर्मा और रहमानुल्ला गुरबाज जो है वो पारी की शुरुआत करेंगे। अब जो है आप देखिए 3 नंबर पर आइए तो निकोलस पूरन आपको मिलेंगे, 4 नंबर पर आप आइए तो सूर्य कुमार यादव हैं, 5 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 6 पर मार्कस स्टोइनिस, 7 नंबर पर आपको अक्षर पटेल दिखेंगे, 8 पर राशिद खान, 9 पर जसप्रीत बुमराह, 10 पर अर्शदीप सिंह और 11वें खिलाड़ी फजलुल हक फारूकी होंगे और जो 12वें खिलाड़ी होंगे वो नॉर्किया होंगे। तो अभी आपके लिए सूचना ये कि विश्व कप संपन्न होने के बाद जो एक ट्रेडिशन है, परंपरा है कि टूर्नामेंट की बेस्ट टीम चुनी जाती है, वो चुन ली गई है और उस टीम में 6 भारतीय खिलाड़ी हैं, 3 जो है अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, 1 खिलाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया का और 1 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज का है और टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को दी गई है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।